हेलो जी, कैसे हो? और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज देखिए, सुबह सुबह ही यहाँ बहुत ही गर्मी है और गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आजकल एक दो दिनों से हवा भी बिल्कुल कम सी गई है, लग रहा है जैसे बिल्कुल कम हो चल रही हवा और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। आप मेरी तरफ कैसा है बताइएगा ज़रूर। और उधर बारिश भी सही है कि नहीं? यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं हुआ बारिश वगैरह। और आज रविवार है बट फिर भी देखिए लोगों का आना जाना, जाहिर सी बात है किसी का ड्यूटी होगा, किसी को कहीं जाना होगा, है ना, किसी की छुट्टियाँ भी होंगी। और कुछ बातें मुझे करनी थी, ऐसी एक बात बताऊँ, हम लोग ना अगर अपने आप को ना अगर हम चाहते हैं कि खुश रखें, अपने आप को निगेटिव चीज़ों से दूर रखें, है ना, तो जब तक हम पुरानी बातों को ना, पुरानी यादों को, मतलब जो कि बहुत अच्छी ना हो, उन यादों को भुला देना, मिटा देना या भूल जाना वही अच्छा होता है ना, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप पुरानी बातों को भूलोगे नहीं, पुरानी चीज़ों को आप मिटाओगे नहीं, तब तक नए चीज़ों से कैसे जुड़ोगे? क्योंकि नए चीज़ों से भी हम तभी जुड़ पाते हैं जब हम पुरानी यादों को भुलाते हैं। हाँ, उसमें कुछ अच्छी यादें होती है जो कि समेट कर रखनी चाहिए, पर अगर जो बुरी है उसे भुला देना ही अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, है ना। आप सभी कुछ बात बताऊं, जैसे पहले के लोग ना अपने बच्चों को जब उम्र हो जाती है तो जब जाल से मरते हैं, या तो होता है ना कि आप भाई अपना मनवा लो, आपके पास क्या है ना संपत्ति में, तो बहुत लोग अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ जाते हैं, धन दौलत घर बार, है ना। पर अब के जो समय है ना, जो ज़माना है, तो कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ना कुछ दे या ना दे, हाँ हम एक चीज़ ज़रूर दे सकते हैं अपने बच्चों को, फ्री में दे सकते हैं कि भाई अगर वो इंसान आपके माता पिता की कदर ना कर रहा हो, आपके माता पिता की रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तो भाई तुम भी उससे दूर रहना, बातें मत करना, है ना, जो कि गलत बात होता है ना। क्योंकि अगर हम चले गए, मर भी गए और हमारे बच्चे ये निभाते रहेंगे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए ये सो निगेटिव बातें ना जितना जल्दी हो सके मिटा देना चाहिए, है ना। क्या फ़ायदा हम अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखा कर जाए, बोल कर जाए, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नहीं। तो इसलिए जितना हो सके यार अच्छी बातें करनी चाहिए। हाँ, हो गया जो पुरानी बातें हो उसको मिटा देना चाहिए, भुला देना चाहिए, उसको घिसते रहोगे तो ये अच्छी बातें नहीं होती, है ना। कहने का मतलब है कि हमें अच्छी यादों को संजो कर रखना चाहिए, है ना। कभी तो कभी हम जब बैठते हैं, आप अगर बैठते हो अकेले तो जरूर नोटिस करिए कि हमारे अच्छी यादें भी आती हैं, बुरी यादें भी आती हैं, पर पता है शायद अच्छी यादें ज़्यादा रहती है और पुरानी यादें कम हो जाती हैं। यादें तो आती ही है, ऐसे नहीं है, चाहे आप बुरी हो या अच्छी यादें हो, है ना। तो इसलिए क्यों ना हम अपने दिमाग पर अपने बच्चों के लिए एक अच्छी बातों को याद बना के रखें, है ना। हम क्यों उन्हें गलत शिक्षा दे या गलत बातें बताएं, है ना। जितना हो सके हम अपने बच्चों को अच्छी बातें बतानी चाहिए ना, ताकि उनके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें गलत बातों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, रबर की तरह, जैसे कि रबर को कितना खींचोगे तो खींचता जाएगा ना। तो इसलिए ज़िंदगी को रबर ना बनाएं, है ना, इसको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, यही कहना था। और आप लोगों को अगर इसमें से कोई सारी वीडियो मेरे पास थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग भी इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। आप लोग परिवार, इसलिए मैंने आप लोगों से बातें शेयर करी है, तो थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही सपोर्ट करिएगा और जल्द से जल्द हमारा 13K भी कंप्लीट कराइएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।